नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फेसियम पर। और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ गॉस लॉ, है ना। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, कंप्लीट लेक्चर था उसको। सबसे पहले इस वीडियो को देखने के पहले उस वीडियो को देख लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके एप्लीकेशंस, ठीक है। तो गॉस लॉ हम लोगों ने देखा था कि गॉस लॉ है क्या, पता है ना। तो गॉस लॉ क्या है, तो ये देख लो, यही है। सपोज करते हैं कोई भी एक सरफेस है और इससे इसके अंदर में कोई भी चार्ज है क्यू। तो हम कह रहे थे कि इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और वो किसी सरफेस से पास कर रहा है। तो किसी भी क्लोज सरफेस से जितना ये पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया या फिर कोई भी एरिया, है ना। जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ये सरफेस इंटीग्रल करते थे, ई वेक्टर डॉट ऑफ डी ए वेक्टर करते थे। हम बोलते थे कि इसके अंदर में कितना भी चार्ज इनक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन जीरो कर दो तो हमको नेट फ्लक्स मिलेगा थ्रू दिस क्लोज सरफेस। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या था, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है, नेट फ्लक्स, है ना, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारा नेट फ्लक्स, ये हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था। आज हम लोग एप्लीकेशन करेंगे गॉस लॉ का। इस जो लॉ था इसके हम लोगों ने सवाल वगैरह पिछले वीडियो में हम लोगों ने डील किया था, बट अभी हम थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं ना। जैसे कि हम लोगों ने कूलम्ब लॉ से जितना भी पढ़ना था वो सब हम लोगों ने कर लिया था, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वगैरह का। लेकिन जब लेक्चर 9 में हम लोगों ने थोड़ा देखा था कि उसमें जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कितना ज़्यादा टेंशन था। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए छोटे छोटे चार्ज काटो, फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, या फिर उन सबको इंटीग्रेट करो, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स वो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उसकी। तो हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ों को हमको जरूरत पड़ेगा, कुछ कुछ बात को हमको ध्यान रखना है। गॉस लॉ जब अप्लाई करेंगे तो कुछ बातों का हमको ध्यान रखना है। पहला बात यही कि एक हमको सरफेस चुनना है, कोई भी मान लेते हैं कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जिस भी तरह का तुम्हारा चार्ज है, तो हम उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो क्या हम हर तरह के ऑब्जेक्ट का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या गॉस लॉ के हेल्प से, देखते हैं। कुछ तरह का हम बस इनसे हम यही करेंगे चीज़ों का, जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका था कूलम्ब्स लॉ से, उसी तरह से हम लोग इसके भी हेल्प से निकालेंगे। मगर कुछ चीज़ों का यहाँ पर हमको क्या बोलते हैं एडवांटेज मिलेगा कि यहाँ पर बहुत कम इंटीग्रेशन, बहुत कम डिफरेंशिएशन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ करेंगे कि जो भी हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब समझ में आ रहा है भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है थोड़ा एक बॉडी में, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर हमारा चार्ज कंटेंड है तो हम उसको कहेंगे एक्सटेंडेड चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब उसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहीं पर, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे कहीं जहां पर भी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहां पर जाकर के हमको एक इमेजिनरी सरफेस, थ्री डायमेंशनल सरफेस, वो चाहे हो सकता है कि जिस भी शेप का हो, है ना, हम उस सरफेस को ड्रॉ करेंगे, उस सरफेस को हम कहेंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है। क्या कहेंगे उसको, गॉसियन सरफेस, जो एक आर्बिटरली इमेजिनरी सरफेस हमने ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, हम उसको कहेंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है। एक इमेजिनरी सरफेस है, हमने चूज कर लिया, दैट्स इट। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है वो एक उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। पहला प्रॉपर्टी यही होगा कि वो एक क्लोज्ड सरफेस होगा,
वो एक क्लोज सरफेस होगा। एक सेकेंड, तो अभी हम लोगों ने देखा कि गॉसियन सरफेस जो है हमारा वो इधर दिख रहा होगा है ना वीडियो में यहाँ पर है ना, तो इस जगह पे थोड़ा देखते जाओ, सबको नोट कर लेना है जो यहाँ पर आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है हम इन सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये जो गॉसियन सरफेस ये थ्री डायमेंशनल स्पेस है, इसमें हम लोग जो है ये थ्री डी स्पेस में हम लोग बनाएंगे, थ्री डी शेप का बनाएंगे, जहां पर जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। पहला बात समझ में आया। दूसरा पॉइंट यहां पर ये है कि जो गॉसियन सरफेस होगा, जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम लोग उसके अंदर में, ये थ्री डायमेंशनल शेप का होगा, थ्री डी शेप का होगा, इसके कारण हम अंदर में स्टडी कर सकते हैं, सरफेस पर इंसर्ट स्टडी कर सकते हैं, आउटसाइड स्टडी करेंगे। ये अगर मान लेते हैं गॉसियन सरफेस हमें यहाँ पर स्फेरिकल बनाया, तो मान लो कि हम वही क्यूबिकल बना लेते हैं, तो जिस तरह का तुमको बनाना है, सिलिंड्रिकल बनाने का मन कर रहा है इस तरह का बना लो, इज इट ओके, जिस तरह का शेप का बनाना है बनाओ, मगर उसके हम अंदर सरफेस पर और बाहर में हम स्टडी कर सकते हैं। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वो कि जो गॉसियन सरफेस है, जो गॉसियन सरफेस है वो उस जगह पर से पास करना चाहिए जहां पर से कि यहां पर कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये जो गॉसियन सरफेस है उस जगह से पास करना चाहिए जहां पर कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। चौथा पॉइंट क्या है कि ये जो गॉसियन सरफेस है ये सिमिट्रिकल होना चाहिए, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इस तरह से सिमिट्रिकल होना चाहिए कि जहां पर कि जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो पहला बात तो कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, सेकेंड नंबर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस सरफेस के नॉर्मल रहे, उस सरफेस के नॉर्मल रहे। क्यों नॉर्मल रहे? सपोज करते हैं, मान लेते हैं हमने एक सरफेस लिया, ये सरफेस लिया, इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल आ रहा है तो एरिया वेक्टर भी तो हमको ऐसे लिखना लिख सकेंगे ना, इसके कारण हमारा फ्लक्स जीरो नहीं होगा, हम फ्लक्स कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं। तब ये कहना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो सरफेस, ये मानते हैं गॉसियन सरफेस ये 3D सरफेस है, तो इसके कारण ये सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा, चलो ठीक है सिमेट्रिकल बना देते हैं। तो कुछ इस तरह का हम बना दिए, सिमेट्रिकल हो गया, जितना चार्ज के इधर उतना ही इधर, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल सरफेस बना है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो हम ऐसा कुछ कर दिए यहाँ पर, समझ में आ गया। चौथा बात के बाद पांचवा जो पॉइंट आ रहा होगा तो उसको देखते थोड़ा ध्यान से कि जो गॉसियन सरफेस है कहीं से भी कोई भी डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं कर जाए। मान लेते हैं कि हमने कुछ चार्ज यहां पर रखा था, एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है और हम वहीं से गॉसियन सरफेस को पास करवा देंगे, पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि यहां पर अगर इस जगह में बात करेंगे तो हम बताए थे कोई पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर कोई भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ खींचे तो वो ऐसे खींचे थे क्या, क्या बताए थे कि अगर आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को टच करने लगेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो टच करेगा, और आर अगर जीरो को टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी फाइनाइट रहेगा ही नहीं। यानी कि अगर हम बोल दें कि यहां पर चार्ज है तो यहां पर कि जस्ट बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि डिफाइन होगा ही नहीं, जिसके कारण हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। ये सब थे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जिसको कि नोट डाउन कर लेना है बाबा, ठीक है। ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, ओके। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये सारे पॉइंट्स का हम लोग यूज करते हैं ताकि इस पूरा वीडियो में मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं, इरेज कर देते इसको। तो यहां देखो कि अभी हम लोग पहला एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हम निकालना चाहते हैं पॉइंट चार्ज के कारण, कोई भी पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं केक्यू बाय आर स्क्वायर होता है, वो गॉसियन गॉस लॉ के हेल्प से हम निकालना चाहते हैं, कैसे निकलेगा ये, ठीक है, एकदम बेसिक सा चीज है। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट यही है, यही पॉइंट चार्ज है जिसका वैल्यू है प्लस क्यू, और हम जानना चाहते हैं इस क्यू से किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, पता है ना कि क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, वो कैसे निकलेगा गॉस लॉ के हेल्प से, अब ये बात करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम यही करेंगे कि मेरा स्केच पेन पता नहीं कहाँ गया,
चलो ठीक है, इसी से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम जहां पर बोले हैं यहां पर ही क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। एक गॉसियन सरफेस ऐसा होगा जो कि इस चार्ज के कारण जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके लिए उस सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये सब चीज हम ध्यान में रखेंगे। तो चलो एक बात करते हैं, दिमाग में रखते हैं, चलो ये पॉजिटिव चार्ज था, क्यू चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है, ऐसे ऐसे निकलता है, थ्री डायमेंशन में निकलता है ना। तो इससे अगर हम एक काम करते हैं, यहां पर अगर देखें इतना डिस्टेंस इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, हमें एक ऐसे इमेजिनरी एक सरफेस बनाए, तो हम ये कहेंगे कि हर एक पॉइंट पर इस स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर से परपेंडिकुलर ही रहेगा। देख लो तो परपेंडिकुलर ही रहेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और कमाल का बात यह होगा कि इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी सेम रहेगा, क्योंकि जितना वैल्यू यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उतना ही यहां पर भी होने वाला है, यहां पर भी होने वाला है, क्योंकि थ्री डायमेंशन में और आइसोलेटेड चार्ज है, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण सेम होगा। आइसोलेटेड मतलब इस चार्ज के अलावे यहां पर कोई दूसरा अलग अगल बगल में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जितना होगा उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, हर जगह पे सेम होगा। यही था ना, कहीं ना बोले थे कि जो गॉसियन सरफेस हम चूज करेंगे वो ऐसा होना चाहिए जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए, ऊपर से ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, जैसा है वैसा ही देख लो दोनों साइड है ना, तो ये ऐसा हमने बना लिया। तो चलो ठीक है, तो वैसे हम एक काम करते हैं, हम एक नया एक सरफेस हम एज्यूम करते हैं, और ये जो सरफेस एज्यूम किए हम इस सरफेस का नाम देंगे गॉसियन सरफेस। इस सरफेस का नाम क्या दे दिए, गॉसियन सरफेस। और अगर हमने इस सरफेस का नाम गॉसियन सरफेस दिया है तो हम लगा सकते हैं इस सरफेस पर गॉस लॉ। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, जो फ्लक्स होता है ना, वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है ना। अब ये सरफेस इंटीग्रल करने के लिए हम जब चले हैं तो यहां पर अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा, और इस सरफेस का छोटा सा सेक्शन अगर हम काट दें तो इसका एरिया वेक्टर भी तो ऐसे ही बनेगा ना, डीए वेक्टर भी तो ऐसे ही बनेगा ना। अगर हम यहां पर काट दें छोटा सा एरिया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं ऐसे कटेगा परपेंडिकुलर, छोटा सा एरिया भी तो इधर ही कटेगा ना, हर जगह पे देखेंगे डीए ऐसे, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे। यानी कि कमाल का बात यह है कि हर समय ई डी ए के बीच में जो एंगल होगा वो जीरो डिग्री होगा। ये जो डॉट है वो हम अगर इसको थोड़ा बेटर तरीके से लिखें, ई डी ए कॉस जीरो डिग्री लिखना पड़ेगा, और अंदर में कितना चार्ज है, क्यू ही चार्ज है, अपॉन एप्सिलॉन जीरो, कॉस जीरो का लुभन हो जाता है, क्योंकि देखो ई और डी ए के बीच में एंगल थीटा बन रहा है ना, थीटा बोलो जीरो है, वो ये लिख दीजिए जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो पूरे गॉसियन सरफेस के लिए, गॉसियन सरफेस के लिए ये सब चीज लगाना है गॉसियन सरफेस पर, तो गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्या, तो हम उस कांस्टेंट को पकड़े बाहर निकाल देते हैं, अंदर में क्या बच गया, डी ए क्या बना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब एक सिंपल सा इंटीग्रेशन बचा है, सरफेस इंटीग्रल है ये, तो सरफेस एरिया को जोड़ना है, सरफेस एरिया को छोटा छोटा डी ए डी ए डी ए डी ए जोड़ते जाएंगे तो पूरा का पूरा स्फीयर का एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ स्फीयर 4 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम आर रेडियस की बात कर रहे हैं, तो क्या लिखते हैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या बना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्या बनता था, के Q अपॉन आर स्क्वायर। ये ना हम लोगों ने कूलम्ब लॉ से निकाला था, अब देखो गॉस लॉ से भी वही आया है। तो गॉस इस हम इतना सारा काम किए हैं बस दिखाने के लिए कि हम कैसे गॉस लॉ का यूज किए हैं, पहला एक एग्जांपल के साथ में छाप लो, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने से कोई फायदा था नहीं, इसके आगे बात करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला जो एप्लीकेशन है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो चार्ज्ड स्फीयर या फिर सॉलिड मेटालिक इस चार्ज्ड स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं।
जो लिखे यहाँ पर दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा ये एग्जांपल बनेगा आगे जा करके हमारे लिए। सबसे पहले हम स्टडी करना चाहते हैं सॉलिड मेटालिक चार्ज स्फीयर के बारे में, सॉलिड मेटालिक चार्ज स्फीयर के बारे में। सबसे पहले यही देख लेते हैं कि यही जो सॉलिड है इसके अंदर में हमने चार्ज दे दिया, मान लेते भर भर करके चार्ज हम रख दिए। कमाल का बात यह है कि ये मेटल है यानी कंडक्टर है, कंडक्टर है तो अपने अंदर से ये चार्ज को क्या करेगा भाई, सोशल डिस्टेंसिंग है तो ये क्या करेगा, दूर हटो, ये बोलेगा भाई तुम इधर जाओ, तुम इधर आओ, सब का सब सरफेस के ऊपर आएगा, ठीक है। तो यानी कि धीरे धीरे करके ये चार्ज का मूवमेंट हो जाएगा, और मूवमेंट तब तक होगा जब तक कि अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा, और जब चार्ज अंदर में नहीं रहेगा तो सारा चार्ज सरफेस के ऊपर आ जाएगा। समझ में आया क्या? आ गया? ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम यहां से पहला बात तो यही सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, नहीं हर समय नहीं होगा। देखो तो इस समय है जीरो, चार्ज तो है ना। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो हो सकता है। अभी अगर हम चार्ज को अंदर में रख दिए थे, वो चार्ज स्टेशनरी नहीं था, रुका हुआ नहीं था, चार्ज मूव करने लगा, तो जब चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो नहीं, अंदर में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ही। हम तब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है जब स्टेशनरी है, चार्ज रुक चुका है, थोड़ी देर के बाद जब चार्ज सरफेस पर आ चुका है तब स्टेशनरी हो चुका है, चुपचाप से बैठा हुआ है चार्ज, तब हम बोल रहे हैं कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारा अब अंदर में चार्ज कितना है, बोला नहीं है, और जब नहीं है चार्ज तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है, बैठा दिमाग में। तो यहां पर छोटा सा पहले पॉइंट ये लिखना है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इक्वल टू जीरो। ये जितना सारा पॉइंट लिखा रहा है सारे पॉइंट्स को याद रखना है, आगे जाकर के बहुत सारा यूज होने वाला है इस सब का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में नहीं रहा तो यानी कि पिक्चर अब कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का, सारा चार्ज ऐसे आ जाएगा। अब बताइए इसके अंदर में लोहा भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, चार्ज ही नहीं है ना, हम मेरा दोस्ती किससे, चार्ज से है ना, यानी कि ये अंदर में चार्ज नहीं है तो ये खाली भी है तब भी मेरे किसी काम का नहीं है। तो वही लिखे हॉलो चार्ज स्फीयर रहे या सॉलिड मेटल रहे तो भी पिक्चर सेम बनेगा। हम कहते हैं कि ये हॉलो है, अंदर में कुछ नहीं है, तो उसके ऊपर हमने चार्ज दिया है, क्या दोनों सेम है क्या? तो ये बात दिमाग में रखना है कि बात किसके बारे में बात किया जा रहा है, क्या सॉलिड मेटल है, ओके तो ये हॉलो ही है, तो चार्ज इसके अंदर में नहीं है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने का मतलब यही है कि ड्यू टू ऑल द चार्जेस, है ना, यहां पे लिख दो ड्यू टू ऑल द चार्जेस, जितना भी चार्ज है सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो, ये नहीं कि मतलब सिर्फ इतने से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कोई भी और एक और चार्ज लेकर के चले आए क्यू अमाउंट का तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो ही रहेगा। अंदर में चार्ज अभी नहीं सकता ना, क्योंकि वो चार्ज अंदर में नहीं रहेगा, सबका सरफेस पर ही रहेगा, ये बात तो समझ में आ रहा है। तो ये बात भी छोटा सा लिख लेना है कि ड्यू टू ऑल दी चार्जेस, है ना, ये बात ठीक है। तो अब इसका स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, अंदर में तो पता चल गया कि नहीं होगा, है ना, हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अब सरफेस पर, बाहर में, है ना, दो जगह पे निकालेंगे, यस कर देते इसको। तो जब हम बात कर रहे हैं कि यही है हमारा चार्ज्ड स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, हम निकालना चाहते हैं चलो बाहर में, पहले कहां निकालना चाहते हैं, बाहर में,
किसी जगह पर यहां पर निकालना चाहते हैं किसी पी पॉइंट पर, जिससे कि इसका डिस्टेंस स्मॉल आर है सेंटर से, पी पॉइंट पर सेंटर से डिस्टेंस आर है। तो हम पी पॉइंट पर क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस जहां पर बोला है वहीं पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो गॉसियन सरफेस कैसा हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर हम फिर से देखो तो हम एक स्फेरिकल बना सकते हैं क्या ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा होगा ऐसे निकल रहा होगा, और इस सरफेस पर यहां पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकला, डीए वेक्टर भी ऐसे ही है, सेम पिक्चर पीछे वाला की तरह बन गया क्या। इसके ऊपर हमने मान लो क्यू चार्ज रखा, क्या बोलेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी ए बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस के लिए, ये पहला कंडीशन बना लेना, केस नंबर वन आउटसाइड है ना, आउटसाइड का मतलब हो गया स्मॉल आर जो है वो बड़ा है कैपिटल आर से, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है तब ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, डीए जोड़ेंगे, अंदर में देखो तो इस पूरे सरफेस के गॉसियन सरफेस, ये क्या है हमारा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर में नेट चार्ज कितना है, तो भाई क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है ना पूरा मिला करके, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ई डीए को जोड़ेगा तो क्या मिलेगा, छोटा डीए को जोड़ेगा तो 4 पाई टाइम्स ऑफ इसका रेडियस कितना है स्फीयर का, स्मॉल आर ही है ना, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया वैल्यू, ओ ये तो वही आ गया जी, पॉइंट चार्ज वाला आ गया, नहीं जी आ गया ना देखो ना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, कर सकते क्या, बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, यानी कि अगर यही चार्ज ये जो हॉलो या सॉलिड मेटल है उसके बाहर में अगर हम स्टडी कर रहे हैं हमको पता ही नहीं चल रहा कि वो चार्ज, देखो रेडियली सीधा आउटवर्ड हम बोलेंगे पूरा चार्ज सेंटर पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि बाहर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पूरा चार्ज हमको लगेगा कि सेंटर पर है, तो दिक्कत है। ये तो केस नंबर वन हो गया, अब केस नंबर टू पे बात करते हैं, केस नंबर टू एट सरफेस पर बात करेंगे, एट सरफेस मतलब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगा सरफेस पर ही आ जाएगा ना, तो उसको पुट कर लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या बोलेगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, और इन साइड में केस नंबर थ्री इन साइड मतलब स्मॉल आर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा। अब अगर इसके अंदर बात करेंगे हम यहां से स्मॉल आर ले लेंगे अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई दिक्कत है, छाप लो अभी इसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ तो चलो देखते हैं, इस वाले कंडीशन में देख रहे थे हम ग्राफ बनाना चाहते हैं R और E के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में, तो हम देख रहे हैं स्मॉल R का वैल्यू क्या है, कैपिटल R भी है कभी सरफेस तक और इसके आगे बढ़ रहा है स्मॉल R का वैल्यू, तो हम बोल रहे हैं सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है जीरो है, अंदर में स्मॉल R का वैल्यू जब तक सरफेस तक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो ही रह जाता है, जब कैपिटल R होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है के क्यू आर स्क्वायर, यहां पर हो गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, कब, जब सरफेस पर आ चुके हैं यहां पर ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वन अपॉन है ना, यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर में के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर है, यानी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, वन अपॉन आर स्क्वायर से घट जाएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर से घटे कैसे, इस तरह से, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में घटते जा रहा है घटते जा रहा है, सरफेस तक आते आते मैक्सिमम हो गया और सरफेस से जैसे ही अंदर गए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो चुका है, इन्फिनिटी पर भी जीरो है, अंदर में भी जीरो है, सरफेस पर मैक्सिमम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस जो है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है जो कि मैक्सिमम है इस होलो स्फीयर के कारण, ठीक है, कॉपी कर लो पिक्चर को भी डील कर लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं।
तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये नॉन कंडक्टिंग लिख दिए हैं, इसका मतलब यही है कि नॉन कंडक्टिंग है, मतलब चार्ज अब अंदर से बाहर नहीं आ सकता। मान लेते हैं ये मेटल स्फीयर है, सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जिसके अंदर में चार्ज है। अगर चार्ज है तो ये चार्ज अब बाहर नहीं आ सकता। चार्ज है, उसके ऊपर फोर्स भी लग रहा है, मगर इस वाले के पास इतनी जगह नहीं, इतना रूम नहीं, मतलब रूम नहीं है जिसके कारण ये इधर की तरफ नहीं आ सकता। फंसा हुआ है बेचारा किसी तरह से अंदर में, है ना। जैसे हम लोग अभी घर में फंसे हुए लॉकडाउन में, है ना, मन करता है बाहर निकलने को, निकल नहीं सकते, वैसे ही बेचारा ये सब फंसा हुआ है अंदर में। सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ से हो पाएगा, ठीक है। अंदर में चार्ज रह गया, तो चार्ज जब रह गया तो हम कह सकते हैं कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, वो कहीं ना कहीं इस तरह से निकल रहा होगा, है ना, ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे भी निकल रहा होगा, ऐसे भी निकल रहा होगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अब चार्ज क्योंकि अंदर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अंदर में नहीं होगा क्योंकि चार्ज है, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे चीजें काम करेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बाहर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम मान लेते हैं इसके अंदर में चार्ज क्यू है, इसका डेंसिटी, या क्योंकि वॉल्यूम में चार्ज है, तो भाई चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बात करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि रो इसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। रो क्या है यहां पर, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है यहां पर, एकदम आसान है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हम मानेंगे, सबसे पहला केस मान लेते हैं, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के से बड़ा है, यानी कि आउटसाइड बात कर रहा है। और अगर हम आउटसाइड में बात करें तो इस सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पर हम बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, जबकि इसका रेडियस कैपिटल आर है। यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, क्या करेंगे, वहां पर हम एक स्फीयर एज्यूम कर लेंगे, है ना, और इस स्फीयर का क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा होगा, छोटा सा एरिया हम काट देंगे डी ए, है ना, हर एक स्फीयर के हर एक पॉइंट पर अगर हम यहां बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा होगा, छोटा सा एरिया डी ए, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए को जोड़ देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो क्या होता है, ई वेक्टर डी ए क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो, कितना जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे, इस पूरे गॉसियन सरफेस पर हर जगह पे सेम होने वाला है क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से सेम है। तो ई बाहर आ गया, अंदर में भाई वही डी ए को जोड़ेंगे तो फोर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, जोड़ने का तो कहानी दो कंडीशन सीख ही चुके हैं। अब अंदर में चार्ज कितना है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर का वैल्यू तो वही आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये ना गया जी, ज्यादा दिमाग लगाने का कोई मतलब है नहीं। ये भी फिर से देखो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, क्या हो रहा है बाहर में, तो मतलब मजा आ गया ना जी। पॉइंट चार्ज बहुत अच्छा चीज है, हॉलो रहे, सॉलिड रहे, मेटल रहे, नॉन मेटल रहे, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, कितना अच्छा है ना। अगर केस टू पे बात करते हैं, एट सरफेस में स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो ई का वैल्यू तब क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर लो, मजा आ गया, ठीक है। फिर से घुमा फिरा करके बात हुई, सारा कहानी अंदर में है, ये बात तो अब धीरे धीरे करके समझ में आ रही होगी, सारा जो टेंशन है वो अंदर में ही है। हम अंदर की तरफ पहुंचते हैं धीरे धीरे से, चलो यहां तक कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इनसाइड, मतलब आर लेसर देन स्मॉल आर, चलो अंदर वाले का मैकेनिज्म के ऊपर बात करते हैं। अंदर में यही कोई सॉलिड स्फीयर है और बहुत सारा चार्ज इसके अंदर में भरा हुआ है। हम एक पॉइंट हम यहां पर बात करना चाहते हैं, सेंटर ये, हम इस जगह पे बात करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। मान लेते हैं यहां पर हम एक निगेटिव चार्ज को रख देना चाहते हैं, ये पूरा पॉजिटिव है, यहां पर निगेटिव चार्ज रख दिए, निगेटिव के ऊपर प्लस वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सीखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी जो होगा वो हर एक चार्ज कारण होगा, सिर्फ एक चार्ज कारण नहीं होता है, हर एक चार्ज कारण, और ये पूरे के पूरे स्फीयर पे हर जगह पे चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह चार्ज है। तो हम बोलेंगे ये वाला जो चार्ज है उसने इसको इधर की तरफ खींचना है,
जस्ट इसके इस साइड में कोई पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी इसको इधर जैसे खींचेगा, यहां पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी इसको ऐसे खींचेगा, नीचे में ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा जोर से खींचा जा रहा होगा, कह सकते हैं क्या ऐसे ऐसे। तो कहीं ना कहीं नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो आ रहा है उस निगेटिव चार्ज के ऊपर वो नीचे की तरफ ज्यादा आ रहा होगा। एक और बात देख सकते हैं कि जितना ये प्लस वाला इस वाले सेक्शन ने जितना भी फोर्स लगाया होगा इसको इधर खींचने के लिए, उतना ही फोर्स इस सेक्शन में भी लगाया होगा इधर खींचने के लिए। तो यानी इसका और इसका मामला तो यहीं पर रफा दफा हो चुका है। नहीं समझ में आ रहा बात? इसका जितना भी है कि जो इधर की जो इस डायरेक्शन की बात कर रहे थे, है ना, इस वाले ने दोनों जो इस डायरेक्शन में लगाया होगा वो इस वाले ने खत्म कर दिया। ठीक है, एक और चीज देखना चाहते हैं, जो इतना ऊपर वाला होगा, जो इतना ऊपर वाला होगा सिमेट्रिकली देखो अपोजिट सेक्शन में, देखा ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से ने भी जितना ऊपर फोर्स लगा रहा होगा इसने भी तो भाई नीचे खींच रहा होगा, इतना सा सेक्शन भी तो नीचे खींच रहा होगा, वो भी इसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग अगर हर एक सेक्शन को हटाते जाएंगे तो हमको सिर्फ वही सेक्शन दिखेगा कि जो कि हम ऐसे करके बनाना चाहते हैं। हम यही कहेंगे इतना हिस्सा ने जो भी फोर्स लगाना है इसको ऐसे करके, उतना हिस्सा ने ऐसे फोर्स लगाया, खत्म हो गया मामला। यानी कि सारा का सारा जो भी फोर्स बचेगा वो इतने से पार्ट के कारण ही इस पर बचेगा। तो हम सिर्फ इस सेक्शन का ही डिस्कशन करेंगे यहां पर। ठीक है, बात नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करो, आगे बढ़ते हैं गाड़ी, है ना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, देखो क्या हो रहा है। हाँ, तो अगर हम किसी जगह यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं आर डिस्टेंस पर, तो हम अभी सीखे हैं कि इस जगह पर जहां पर बात करना चाह रहे हैं वहां पर एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस, एक तो ये तरीका हुआ, दो गॉसियन सरफेस दिख भी रहा होगा यही है, तो हम वही एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर बना लिए, और यहाँ पर हम समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, डीए भी बाहर की तरफ होगा, ई डीए कर लेंगे, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन चार्ज हम सिर्फ इतने सा कहीं ले सकते तब तो हमको चार्ज डैश की बात करना पड़ेगा, नेट चार्ज क्यू है, इसका डेंसिटी रो है। कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। तो अगर हम ऐसा चीज को के ऊपर बात कर रहे हैं क्या बोलेंगे, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह पे इस पूरे सरफेस के ऊपर बराबर आएगा, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस आर का सेम है हर जगह पे। डी ए मतलब 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अभी भी होगा, इक्वल टू क्यू डैश लिखना पड़ेगा, तो इसके इस ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये देखो हर जगह पे चार्ज है, चार्ज तो हर जगह पे, लेकिन चार्ज जो इस वाले स्फीयर के अंदर में वो सिर्फ क्यू डैश है, तो हम उसको लेते हैं क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब ये क्यू डैश कितना है, हमको पता है कि डेंसिटी जो होता है, चार्ज डेंसिटी जो है रो, वो है कितना, चार्ज क्यू डैश बाय वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यू। नहीं समझ में आया बात? चार्ज क्या है, चार्ज पर यूनिट, ये डेंसिटी क्या है, रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसका चार्ज बट इसी का वॉल्यूम लिख दिए, मेरा काम बन गया। यानी क्यू डैश का वैल्यू क्या आ गया, देख लो इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश की जगह क्या आ गया, रो 4/3 पाई आर का क्यूब अपॉन एप्सिलॉन जीरो आ गया। देखो तो कट गया क्या, 4 पाई ई बराबर क्या हो गया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो। याद कर लो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन जीरो, और अगर आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो एट सेंटर की बात कर रहे होंगे, है ना। एट सेंटर स्मॉल आर का वैल्यू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो, जो कि पीछे हम डिस्क्राइब भी कर रहे थे, समझा भी दिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जीरो हो जाएगा। उसके आगे डिस्कस करते हैं कि अच्छा रो के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि पूरा चार्ज बटे पूरा वॉल्यूम, ये भी लिख सकते हैं। अगर हम बोल दें यहां पर इसी को हम थोड़ा
इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। एक तो ये हो गया ना, रो के जगह क्या लिख देंगे, रो के जगह पे हम ये लिख सकते हैं पूरा चार्ज बटे पूरा वॉल्यूम 4/3 pi r³, ये भी लिख सकते थे। तो डेंसिटी की जगह क्या लिख रहे हो, कैपिटल क्यू 4 pi r³/3 स्मॉल r अपॉन 3 ε₀। 3 से 3 खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हो गया। तो e जो आया है हमारे पास वो देखो, तो k q r अपॉन r³ होगा 4 pi ε₀ होता है, के क्यू आर तो दिख ही रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे भी लिखते हैं, ग्रेविटेशन में भी हम लोग ऐसे लिखते थे g m x / r³, उसी के पैटर्न में यह भी आ चुका है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर लिख लो, स्मॉल r का वैल्यू 0, तो ये भी 0 हो गया ना, स्मॉल r का वैल्यू 0। कोई दिक्कत है? अब ग्राफ खींच लेते हैं फटाक से इसका, देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, पहले छाप लो। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे कहां था, है ना, आउटसाइड पे कितना था। अगर हम आउटसाइड तो फिर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ना था, सॉरी आर स्क्वायर। एट सरफेस कितना था, एट सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर था। और इन साइड में हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो था रो आर अपॉन 3 ε₀, जो कि था के क्यू आर अपॉन आर का क्यूब के बराबर। और एट सेंटर, एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आ रहा था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है कि यहां पर लीनियर ग्राफ बनेगा। चलो अब ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। आर है और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये कैपिटल आर हो गया। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर है यहां पर। तो हम देख रहे हैं कि भाई सेंटर से सरफेस तक लीनियर ग्राफ चलेगा, लीनियर, ये लीनियर वेरिएशन हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ते जाएगा सरफेस तक हम बढ़ते जाएंगे, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी लीनियरली बढ़ता जाएगा। अगर 2 गुना डिस्टेंस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा जो सरफेस है उसका आधा पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर 1/r² से ये घटता चला जाएगा। कैसे घटेगा, 1/r² से। हम क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। सरफेस पर फिर से यहां पर मैक्सिमम आ रहा है, कोई दिक्कत। ये था इसका पूरा डिस्कशन, छाप लो। तो अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड याद है ना, लैम्डा अपॉन 2 pi r ε₀ होता था। अगर इतना आता था ई का वैल्यू, लैम्डा अपॉन 2 pi ε₀ r डिस्टेंस पर। और वहीं पर अगर कोई फाइनाइट लेंथ का वायर होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, आप लोगों ने देखा था यहाँ पर, याद है, सब चट गए, गुड, बहुत अच्छा बात, अल्फा और बीटा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर वाला हिस्सा बनता था वो था के लैम्डा अपॉन आर, ये आर अगर डिस्टेंस है, वो था साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा। और एक पर जो पैरेलल हिस्सा था वो क्या था, के लैम्डा अपॉन आर कॉस बीटा माइनस में अल्फा, याद है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है ये सब, हमको यही प्रूफ करना है अब गॉस लॉ के हेल्प से। गॉस लॉ के हेल्प से हमको यही चीज निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। तो गॉस लॉ के लिए हमको एक वायर दिख रहा है जो इनफिनिटली लॉन्ग है, हम इससे फाइनाइट लेंथ का नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इनफिनाइट लेंथ का ही बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमको निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमको निकालना है। जहां पर निकालना है वहां पर हमको गॉसियन सरफेस बनाना है। अब गॉसियन सरफेस कैसा होगा, यहां पर यही सवाल है। एक बात तो तय है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, ऐसे ऐसे ही निकल रहा होगा, एक बात तो समझ में आ रहा है ना, इससे ऐसे निकल रहा होगा, पीछे निकल रहा होगा, थ्री डायमेंशन में इस तार से। तो अगर हम इसके बारे में सोचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं
हर जगह पर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा आर डिस्टेंस पर, वही इधर भी होगा। यानी कहने का सिलेंडर बने आ गया, देखो तो एक इस तरह का एक शेप बने आ गया, ये बना सकते सिलेंड्रिकल टाइप का, समझ आ रहा बात ना। अगर हम सिलेंडर टाइप का एक पिक्चर एज्यूम कर लें तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। अगर हम एक सिलेंडर टाइप का एक पिक्चर एज्यूम कर लें तो सिलेंड्रिकल एक गाउसियन सरफेस बनेगा यहां पर, तो कैसा सरफेस बना, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इधर की तरफ हो जाएगा और इसका छोटा सा जो एरिया बनेगा वो भी इधर ही होने वाला है। हम मान लेते हैं गॉसियन सरफेस का जो हाइट है वो एल है या फिर एच मान लेते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हम कह सकते हैं जो क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू एल हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। इसके अंदर में कितना चार्ज है, तो भाई लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो पूरे एच लेंथ पर लैम्डा इनटू एच हो जाएगा इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम बोले कि इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ डीए कर दें तो क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सरफेस के लिए, ई हो जाएगा। लेकिन यहां पर तीन सरफेस हमको दिख रहा है, एक सरफेस ये, एक इधर का और एक नीचे का। लेकिन अगर हम इसके बारे में देखें इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब प्लस जीरो आ जाएगा। नीचे वाले का एरिया नीचे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाएगा तो परपेंडिकुलर यहां पर ही बनने वाला है, इसके कारण प्लस जीरो हो जाएगा। यानी कि जो तीसरा जो सरफेस है यही वाला सिर्फ इसी कारण प्लस बन सकता है। तो इसलिए हम यहां पर कह देंगे कि तीनों सरफेस लगाएंगे, है ना, ई डी ए फर्स्ट सरफेस के लिए, ई डी ए सेकेंड सरफेस के लिए, ई डी ए थर्ड सरफेस के लिए, और कह देंगे क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और हम इसको कह देते हैं फर्स्ट, इसको कह देते हैं सेकेंड, नीचे वाले को कह देते हैं थर्ड जो नीचे वाला था, ठीक है। तो पहले वाले के कारण तो जीरो आ रहा है, दूसरे वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा और डीए को जोड़ोगे तो भाई टू पाई आर इंटू एच हो जाएगा इसका एरिया, तो टू पाई इंटू आर इंटू एच हो जाएगा इसका एरिया। और तीसरे वाले का भी जीरो, क्यू इनक्लोज दिख रहा है लैम्डा इंटू एच अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ई बराबर क्या दिख रहा है एच से एच खत्म हो गया, तो लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिख रहा है यहां पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका मतलब आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा इनवर्सली, यानी कि आर अगर बहुत क्लोज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी की तरफ रीच कर जाएगा। इसके बारे में कुछ ज्यादा टेंशन है, यहां पर तीन सरफेस बन गए। और गॉसियन सरफेस कैसा बना, लाइन चार्ज कारण सिलिंड्रिकल, वो चार जो चार पांच पॉइंट अभी जो लिखाए थे शुरुआत में वो सारा इसके ऊपर वैलिड है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, छाप लो। तो अगला जो है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड हॉलो सिलेंडर या फिर कंडक्टिंग चार्ज्ड सिलेंडर। फिर से वर्ड्स पर ध्यान दो, वर्ड पर ध्यान देना है बहुत ज्यादा। हॉलो है ये सिलेंडर, यानी कि अंदर में कुछ नहीं है, यानी कि सारा चार्ज कहाँ है, इसके सरफेस पर है, तो सारा चार्ज इसके सरफेस पर है। और इसके सरफेस पर अगर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा यहाँ पर रो, सॉरी सिग्मा, सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा इसके ऊपर चार्ज। सेकेंड जो लिखे कंडक्टिंग चार्ज सिलेंडर है, सॉलिड भी है कंडक्टिंग है, लेकिन अंदर में तब चार्ज नहीं होगा, फिर से सरफेस पर ही होगा, क्योंकि कंडक्टर में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ये हम लोग सीख चुके हैं पहले भी, इसके ऊपर डिस्कस तो करना नहीं है। तो चलो अब स्टडी करते हैं बाहर में, अंदर में तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हम मान लेते हैं इससे किसी आर डिस्टेंस पर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और ये बहुत लंबा है स्फीयर, सिलेंडर बहुत बड़ा है, चलो हम इसको थोड़ा और बड़ा ही दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये चलो यहाँ तक बहुत लंबा है ऐसे, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और हमको यहाँ पर बोला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ, क्या करेंगे यहाँ पर हमें गॉसियन सरफेस बना देते हैं क्या, ऐसे करके सिलेंड्रिकली बनेगा क्या,
देख लो तो कुछ ऐसा बनेगा क्या पिक्चर? हो जाएगा ना, ये गॉसियन सरफेस बना कोई एल लेंथ का या एच लेंथ का ही हाइट का जो पिछले बार हम लोग किए थे वैसे ही कर लेते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा, एरिया वेक्टर भी इधर ही बनने वाला है, डी ए वेक्टर है ना, तो ई डॉट डी ए कर लेंगे। इसका इसका तो हमको जोड़ना नहीं है, अब सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। तो हम इसके अंदर में देखें चार्ज इनक्लोज कितना है, क्यू इनक्लोज कितना है, तो भाई बोलेंगे सिग्मा है और एरिया भी चाहिए। एरिया कितना हो जाएगा उसका? टू इसका, देखो इसके अंदर में चार्ज की बात हो रही थी, इसी में ना चार्ज है, आर ही रेडियस में ना चार्ज है। रेडियस कितना है सिलेंडर का? आर है, तो आर रेडियस में चार्ज है कि पूरा कैपिटल आर में चार्ज है? ये तो गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस, आप तो कहां भी बना सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। चार्ज तो भाई इतने से महीना है, तो हमको इसके ऊपर की चार्ज की बात करनी पड़ेगी, इसका एरिया लिखना पड़ेगा। इसका एरिया क्या, टू पाई कैपिटल आर इंटू एच। हम एच लेंथ के कारण बात करेंगे, गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है उसी की बात कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? ई डी ए क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ई बाहर आ जाएगा, डी ए जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? टू पाई आर गॉसियन सरफेस का एरिया। ये डी ए किसका? गॉसियन सरफेस का एरिया। चार्ज क्या? इसके अंदर वाला। थोड़ा माइंड को मेकअप कर लो, ये एरिया जो है गॉसियन सरफेस का लिखते हैं ना, तो गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? टू पाई आर इंटू एच। और क्यू इनक्लोज्ड में क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू टू पाई कैपिटल आर एच अपॉन एप्सिलॉन जीरो। टू पाई से टू पाई खत्म, एच से एच खत्म, तो ई इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन जीरो आर बाहर में। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया? सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन जीरो आर, अगेन वही वन अपॉन आर के हिसाब से घट रहा है। और एट सरफेस कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू? देख लो सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। एट सरफेस के लिए स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। ये बात दिमाग में रख लो अभी से कि कोई भी अगर कंडक्टर अगर है और उसके सरफेस हैं, तो उसके ऊपर सरफेस के जस्ट बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यही होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। कोई भी कंडक्टर के सरफेस के जस्ट बाहर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और अंदर में तो समझ में आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है, इक्वल टू जीरो है। और अगर हम इसका ग्राफ खींच ले फटाक से यहीं पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल आर तक तो कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल आर तक तो कुछ नहीं है, जीरो है। सरफेस पर कितना हो चुका है? सरफेस पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और बाहर में वन अपॉन आर से घट गया है ना। इसी तरह का ग्राफ बनेगा, वन अपॉन आर से घटा है, तो सरफेस पर कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये लिख लेना है, कोई दिक्कत? कॉपी। तो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली चार्ज्ड सॉलिड सिलेंडर, यानी कि सॉलिड है और ये नॉन कंडक्टिंग है। यहां पर अगला पॉइंट लिखना है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, इसके कारण यानी कि इसके अंदर में चार्ज है, चार्ज है, नॉन कंडक्टर है, मतलब चार्ज अंदर से बाहर नहीं आ पाएगा, अंदर में ही। हाँ, सब सारा गाना समझ में आ चुका है। तो क्या करेंगे, हमको निकालना है इससे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अब जीरो नहीं होगा, ये बात भी तय है। पहले बाहर में ही बात कर लेते हैं, आउटसाइड पे बात कर रहे हैं। आउटसाइड के लिए स्मॉल आर जो होगा कैपिटल आर के बड़ा हो जाएगा, और आउटसाइड में अगर हम लगाएंगे ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो लिखना पड़ेगा। अब जहां पर बात करेंगे वहां पर हमें गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। और गॉसियन सरफेस बनाने का पूरा प्रोसेस तो समझ में आ चुका है कि सिलिंड्रिकल ही बनने वाला है, इसके बारे में कोई ज्यादा डिस्कशन तो करने का मतलब बनता नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इधर की तरफ ही आएगा और एरिया भी छोटा सा डी ए वेक्टर इधर ही बनेगा। लेकिन इस बार चार्ज जो है डेंसिटी वो रो में दिया है, क्योंकि पूरा वॉल्यूम में चार्ज भरा होगा। तो इसके अंदर में जो क्यू इनक्लोज्ड लिख सकते हैं वो क्या लिखेंगे? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू, अगर मान लेते हैं ये हाइट है h,
हो जाएगा, चार्ज पर करंट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, वो हमको लिखना पड़ेगा। तो E तो बाहर आ गया, एरिया क्या हो जाएगा इसका, 2πr into h। यहां पर एरिया किसका लिखते हैं, गॉसियन सरफेस का एरिया। चार्ज किसका लिखते हैं, सिलेंडर का लिखते हैं, ये बात तो समझ में आ चुका है। चार्ज किसका लिखना पड़ेगा, जो अंदर में चार्ज है, तो चार्ज इसमें थोड़ी ना, इसमें है चार्ज, तो इसका चार्ज लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन एप्सिलॉन जीरो, पाई से पाई खत्म, एच से एच भी खत्म हो गया जी। तो ई का वैल्यू क्या हो गया, रो आर स्क्वायर टू एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन देखो स्मॉल आर के हिसाब से बदल रहा है, क्योंकि बाकी सब चीज तो गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में 1/r के हिसाब से घट रहा है। एट सरफेस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगा, ई का वैल्यू हो जाएगा रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, जो अगेन मैक्सिमम है। और अंदर में अब बात करते हैं, पहले इसको यहां तक कॉपी कर लो, इनसाइड का तो बात करना पड़ेगा अलग से। तो देखते हैं यहां पर कि अंदर में अगर ये पूरा का पूरा सिलेंडर था भरा हुआ, जिसके अंदर में बहुत सारा चार्ज है रखा हुआ, ठीक है, इसके अंदर में बहुत सारा चार्ज है भरा हुआ, डेंसिटी है रो, इसका रेडियस है कैपिटल आर, और हमको इसके सेंटर से किसी स्मॉल आर डिस्टेंस में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखो। तो क्या करेंगे हम, यहां पर एक छोटा सा है ना, स्मॉल आर इधर भी, स्मॉल आर इधर भी, ठीक है, यहां पर हम एक छोटा सा एक सिलेंडर यहां पर भी एज्यूम कर सकते हैं, और हम कह देंगे कि भाई इसके अंदर में जितना चार्ज है उसी कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, ऐसे ई बी ए जहां पर बोलेंगे वहीं पर ना गॉसियन सरफेस बना लेंगे। तो चार्ज तो हर जगह है, यहां पर भी, यहां पर भी, इसके अंदर में भी है ना, पूरे भरा हुआ चार्ज। तो हम जानते हैं कि यहां पर अगर बोलेगा तो इसके बाहर वाले चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा नहीं, जो भी इफेक्टिव आने वाला है इसी कारण आने वाला है, तो हम इसी कारण बात कर लेंगे। तो फिर से देख लो, इसका हाइट हम मान लेते हैं स्मॉल एच है, ठीक है, और इसका जो यहां से तक का लेंथ है वो स्मॉल आर है, यहां लिखे थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो E डॉट बी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, E बाहर आ जाएगा, डी ए गॉसियन सरफेस का एरिया 2πr into h हो जाएगा, 2πr into h, और क्यू इनक्लोज्ड, तो यहां पर अगर हम क्यू इनक्लोज्ड लिखने वाले हैं तो क्या लिखेंगे, रो इनटू इसका वॉल्यूम, गॉसियन सरफेस का ही वॉल्यूम होने वाला, कमाल है ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस उसी पॉइंट से पास ही कर रहा है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं यहां पर। तो क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच, रो पाई स्क्वायर इनटू एच अपॉन एप्सिलॉन जीरो, टू नहीं कटेगा, पाई कटेगा, स्मॉल आर कट रहा है, एच भी कट रहा है, ई का वैल्यू साफ दिख रहा होगा, रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, सिलेंडर के अंदर में रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो होता है, सॉलिड स्फेयर के अंदर में रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन जीरो होता है, जो पीछे भी था, देख लो कॉपी में, अभी के अभी पीछे भी लिखा है रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन जीरो, जबकि इसके अंदर में लिखा है अभी रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, ये याद रख लेना है पहला बात। तो अब फिर वही स्मॉल आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा, एट सेंट्रल लाइन जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर का वैल्यू क्या लिखोगे, जीरो। तो जो ग्राफ बनने वाला है वो फटाक से देख लेते हैं, कैपिटल आर तक, सरफेस तक कितना है, सरफेस पर कितना था, सरफेस पर कितना था, रो आर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो था, ठीक है, ऐसे ओके ना, समझा, लीनियर ग्राफ है ना ये अंदर में, तो वैसा ही ग्राफ बना जैसा कि वो सिलेंडर का बनाते थे, लेकिन यहां पर जो कर्वेचर आ रहा है ई का वैल्यू, वहां पर 1/r² था, यहां पर 1/r है, दोनों में फर्क है, इसका स्लोप ऐसा है 1/r² का ज्यादा स्टीप्ड होगा ग्राफ, है ना, अगर हम 1/r² का ग्राफ खींचे तो वो ये वाला हो जाएगा 1/r², ठीक है, ज्यादा अंदर धसा हुआ, ये बात भी याद रख लेना है, कॉपी कर लो, इसके आगे डिस्कशन है।
दो तीन और टॉपिक है, बस खत्म हो जाएगा आज, ज़्यादा है नहीं कुछ, बस सिर्फ एप्लीकेशन पर स्टडी कर लेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड प्लेन सीट है, मतलब एक एकदम एल्युमिनियम फाइल टाइप का है, बहुत पतला फाइल है और उस पे चार्ज है, हम उसे कहना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, यानी कितना पतला है, इतना पतला है कि बहुत पतला है, और इसके ऊपर चार्ज है सिग्मा, सिग्मा ये लाइन नहीं है, पूरा प्लेन सीट है, इमेजिन कर सकते हो ऐसा, ऐसा है ना, हम लोग जब देखते थे चार्ज्ड डिस्क वाला कंडीशन याद है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला, सिग्मा अपन 2 ε0 निकाले थे, याद करो तुम लोग, क्या करोगे 1 - cos θ, याद भी नहीं होगा कुछ, याद है डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ना, सिग्मा अपन 2 ε0 1 - cos θ। खैर यहाँ पर देखो, तो इसके ऊपर चार्ज है, तो चार्ज है इसके ऊपर में ऐसे है ना, तो हम अगर गॉस सरफेस पर लगाएंगे, गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा, यहाँ पर हम किसी जगह में बात करना चाहते हैं है ना, चलो हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं इस जगह पे, तो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे इसके कारण, तो थोड़ा हम अगर इसी को आगे खींच दें, चलो हम यही बनाते हैं, उसमें नहीं दिखेगा, हम इसी सीट को हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, तो इसमें पूरा चार्ज है भरा हुआ, हम एक काम करते हैं, यहां पर एक छोटा सा रेक्टेंगुलर सेक्शन काट रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं है, जो गॉसियन सरफेस बनेगा, इमेजिन कर सकते हो यहां पर प्लेनर टाइप का बनेगा किसी जगह पे, इससे किसी आगे में, इससे यहां पर कुछ इस तरह से पिक्चर हम बना सकते हैं, इस पार में ये स्क्वायर सेक्शन बना ना ऐसा, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, अरे बस हमने सिमिलरली इसके पीछे भी बनेगा, चार्ज तो दोनों तरफ है, ठीक है, तो इसके कारण इधर ही बनेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, एरिया वेक्टर भी ऐसे, ठीक है, चार्ज यहां भी है, यानी कि इधर ही बनेगा ऐसे, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, बाकी इसके एरिया वेक्टर तो ऐसे लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऐसे, इसका जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, अब लगाते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए का वैल्यू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो, अब कहां कहां लगाना पड़ेगा, एक यहां लगाना पड़ेगा, एक इस पर और एक इस पर, इसका इसका जीरो और इसका इसका जोड़ना पड़ेगा है ना, e डॉट टी ए फर्स्ट वाले के लिए, e डॉट डी ए सेकेंड वाले के लिए, e डॉट डी ए थर्ड वाले के लिए, e डॉट डी ए फोर्थ वाले के लिए, और उसी तरह से q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो लिखना पड़ेगा, हम इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ, तो फर्स्ट वाले का दिख रहा है हमको ईए आ जाएगा, क्योंकि पूरा प्लेन सरफेस का एरिया कितना है, मान लेते हैं ए ही है, तो ईए लिख लेते हैं, दूसरे का जीरो दिख रहा है, तीसरे का भी ईए दिख रहा है, चौथे का भी जीरो दिख रहा है, अब इसके अंदर में क्यू इनक्लोज के ऊपर बात करते हैं, क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू इसका एरिया ए है ना, तो अंदर में सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, साफ दिख रहा होगा कि 2ea इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो दिख रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो दिख रहा है वो सिग्मा अपॉन 2ε0 दिख रहा है, इस प्लेन सीट के कारण, जो पिछले भी बार भी हम लोगों ने निकाला था कूलम्ब लॉ के हेल्प से, लंबे चौड़े इंटीग्रेशन के बाद, लेकिन बात याद रखना है वहां पर एक फाइनाइट लेंथ का था या फाइनाइट इस एरिया का था, यहाँ पर इनफाइनाइट एरिया का है ये, ठीक है, उसे हम लोगों ने वहां पर भी ये निकाला, तभी भी ये निकाले, कॉपी कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेन थिक सीट, इस बार प्लेन पतला नहीं है, थिक है, यानी कि मोटा सीट है, प्लेन मतलब प्लेन है, हाँ ठीक है, यानी कि इस बार कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ऐसा एकदम मोटा सा, ठीक है, ये बहुत बड़ा सा ऐसा, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर चार्ज है,
एक बात तो तय हो चुका है कि अब ये कंडक्टर है तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होने वाला है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो, सरफेस पर हो जाएगा सिग्मा। दो तरीका से हम इसको डील कर सकते हैं, एक तो ठीक है दो तरीके से। पहला तरीका हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अभी भी देखेंगे, याद तो रहता है नहीं तुम लोग को, ठीक है तो चलो ठीक है देख लेते, याद हो ही जाएगा। बार बार देखने से करत करत अभ्यास ते सिर पर पड़त निशान, रसरी आवत जात ते चढ़मती होत सुजान। मतलब अभ्यास करते करते ही इंसान IIT पास करता है, खोपड़ो। हाँ ठीक है, हम इसी चीज को हम दिखाते हैं ऐसे। अच्छा नीट भी पास करता है, ठीक खुश। ये देखो थोड़ा हम इसी को ऐसे दिखा रहे हैं, दिख गया ये चार्ज सीट है। हम एक गॉसियन सरफेस लेना चाहते हैं, चलो हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर निकालना चाहते हैं, उसी तरह से हमें गॉसियन सरफेस हम ऐसे एज्यूम कर लेना चाहते हैं, ठीक है तो गॉसियन सरफेस हम ऐसे एज्यूम करना चाहते हैं, चलो ठीक है उसी तरह से यहाँ पर एक सर्कुलर ही ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है तो यहाँ पर हम ऐसे ले लिए सर्कुलर सेक्शन और अंदर में भी ऐसी, ठीक है तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ऐसे बन गया, ठीक है इसका एरिया ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एरिया वेक्टर भी ऐसे, ठीक है। अब लगाते हैं हर जगह पे गॉस लॉ, क्या था गॉस लॉ, ई डॉट डी ए पहला सरफेस, हम इसको कह देते हैं यहां देखो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एरिया वेक्टर ऐसे, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नहीं है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, है ना, तो क्या कर सकते हैं पहला दूसरा ई डॉट डी ए में, तीसरा ई डॉट डी ए में चौथा लगा सकते हैं, इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो लिखना पड़ेगा। पहले वाले में तो आ जाएगा ई ए, दूसरे में जीरो, तीसरे में जीरो, तीसरा में क्यों जीरो, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, भले ही ई परपेंडिकुलर हो जाए लेकिन ई है ही नहीं ना, ई तो ऑलरेडी जीरो है तीसरे वाले में, इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो ही है तो प्रोडक्ट भी जीरो आएगा चौथा में, तो चौथा में क्या मतलब है, ठीक है इसका एरिया वेक्टर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तब भी जीरो, क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, इसका एरिया ए है, क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया ए, है ना, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कितना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अभी अभी पीछे बताए थे कोई भी मेटालिक कंडक्टर हो उसके बाहर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है, मजा आ गया, ठीक। इसी को अब दूसरे तरीके से देखते हैं, कॉपी कर लो फिर इसको, ये जो तरीका है थोड़ा ज्यादा अच्छा है और इसको यूज करना है हम लोग को बहुत ज्यादा, जो अभी हम यूज करने वाले हैं, ठीक है आगे पहले भी हम लोग यूज किए हुए, ठीक है अगले वीडियो में तो बहुत सारा डिस्कशन होगा इसी के ऊपर, ठीक है तो पहले तो अभी देख लो, हम बताए थे इसके ऊपर प्लस सिग्मा, इसके ऊपर प्लस सिग्मा, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन, इसके ऊपर सिर्फ चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्लस इधर की तरफ आएगा, कितना सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे हर चार्ज यहाँ पर आता है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, इधर जोड़ देंगे क्या जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा इधर की तरफ, प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इसके कारण इधर की तरफ, तो सिग्मा अपॉन माइनस में सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो अंदर में हो गया जीरो, यहाँ पर भी इसका भी इसके कारण उधर की तरफ, इसके कारण भी इधर की तरफ, तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो प्लस में सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन गया, जो अभी हम निकाल दिए थे, एक बार पहले बता चुके हैं ये वाला, कॉपी कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, अभी अगला है नॉन कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, इस बार नॉन कंडक्टर है तो अंदर में चार्ज तो होना ही है, ठीक है और इस बार हर जगह पे इसका मान लेते थिकनेस डी है और इसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी
रो है। और हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेरित बाहर में, जहां पर निकालना चाहेंगे उसके लिए क्या करेंगे, वहां पर एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। ठीक है, चलो हम फिर से यहां पर भी दिखा देते हैं इसी को, ताकि ज्यादा रियलिस्टिक व्यू आए, है ना। अगर हम यहां पर से एक वही, चलो ठीक है, छोटा सा सेक्शन हम सर्कुलर ही ले लेते हैं, इसे हम यहां बात करेंगे। ठीक है, ऐसे एक गॉसियन सरफेस ले लिया यहां पर ऐसे, ठीक है। और क्योंकि अंदर में भी है यहां पर, एक सेकेंड, तो ये जो दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट, चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, इसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको पता है कि बाहर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो होगा, लेकिन अंदर में हम बात करना चाहते हैं, थोड़ा छोटा बना दिए, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं इसे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम अंदर में किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पर इधर एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, ऐसे सर्कुलर दिखा देते हैं यहां पर, ठीक है, जो कि इधर भी आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा, एरिया भी इधर हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो लिखना पड़ेगा, और एक ई ए यहां आएगा और एक ई ए यहां आएगा, तो ई ए प्लस में ई ए हो जाएगा, और Q enclosed कितना हो जाएगा, डेंसिटी दिया हुआ है रो, तो Q enclosed हो जाएगा डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया मान लेते हैं A, और इसका हाइट हो गया 2R, क्या हो जाएगा, तो रो A into 2R, एरिया into हाइट होता है ना, वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन जीरो कर लिया यहां से, तो 2EA इक्वल टू रो A 2R अपॉन एप्सिलॉन जीरो, 2 से 2 खत्म, A से A खत्म, सॉरी E A खत्म हो गया, तो E के जगह पे हो गया रो R अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, रो R अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में, ठीक है। और अगर हम एट सरफेस की बात करते हैं, तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी बाई टू हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस यहां से ये सर पूरा का डी है, तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी बाई टू हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा रो डी बाय टू एप्सिलॉन जीरो एट सरफेस। छाप लो, मजे आ गए, इस वक्त कुछ था ही नहीं समझाने के लिए, सॉरी इसका ग्राफ नहीं डील किए, ग्राफ भी डील कर लेते हैं, तो देख रहे हैं कि लिनियरली ग्राफ चल रहा है डी बाय टू डिस्टेंस तक, है ना, अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, और बाहर में कांस्टेंट चलेगा, बाहर में ये कांस्टेंट रह जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो के हिसाब से, ठीक है, जो कि रो डी अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 रो डी अपॉन 2 के बराबर ही आएगा, क्योंकि सरफेस का देखो यह सिग्मा लिखे वो सरफेस का चार्ज है, क्योंकि सरफेस तो अब रह जाएगा सिर्फ सरफेस, सरफेस के चार्ज के ऊपर बात करना पड़ेगा, लेकिन अंदर में तो डेंसिटी में बात करना पड़ जाएगा, ठीक है, कॉपी कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टिंग मेटालिक चार्ज्ड बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई भी अजीब सा रैंडम सा एक मेटालिक चार्ज बॉडी है, और इसे अगर हमको जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पहला बात तो ये समझ में आ चुका, अगर इसमें चार्ज होगा, रैंडम सा पिक्चर है, तो हर जगह पे चार्ज का वैल्यू जानते हैं ना, यहाँ जहाँ पर कौन ज्यादा होता है वहां पर चार्ज ज्यादा होते हैं, हर जगह पे अलग अलग होता है, और हमको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी 1/r के हिसाब से बदलता है, हमको जानना है यहाँ पर नियर, जहां पर भी जानना होगा वहां पर हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है, इसका एरिया, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, और जो इसका एरिया होगा छोटा सा एरिया, इसको हम कर देंगे डी ए, क्या जाएगा, कोई दिक्कत है, छोटा सा एरिया काटें, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा,
तो हम कह दें क्यू इनक्लोज्ड जो बनेगा वो जाएगा सिग्मा इनटू छोटा सा एरिया डी ए, है ना जाएगा। अगर हम कह दें ई डॉट डी ए का जो इंटीग्रेशन आना है वो तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर होगा। अब ई यहां पर है ही है और डी ए ही रहने देते हैं इसको, क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, डी ए से डी ए खत्म हो गया, ई का वैल्यू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जो कि हम बार बार चिकर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टिंग मेटालिक चार्ज्ड बॉडी, नियर इसके नजदीक में, यानी कि मतलब 20-25 किलोमीटर आगे, यहीं पर बात कर रहे हैं, डिस्टेंस छोटा है, कितना आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये था कंप्लीट गॉस लॉ के एप्लीकेशन पर आज का हमारा लेक्चर। पहला काम ये करना है कि इस पूरे के पूरे लेक्चर में जितना भी सारा फॉर्मूला आया, जितना भी सारा डेरिवेशन आया, जितना भी सारा सूत्र आया, जितना भी सारा जो भी आया, पिक्चर उक्चर सब, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सब, कुत्ता बिल्ली भैंस सब याद कर लो, रट्टा मार लो, नेक्स्ट वीडियो तब देखना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिना याद किए कोई फ़ायदा नहीं होगा अगले वीडियो से स्टडी करना, क्योंकि अगला वीडियो न्यूमेरिकल पर आने वाला है। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट जितना था हम दे चुके हैं, इस पूरा थ्योरी समझा दिए, एक एक बात समझा दिए, कंडक्टर के अंदर में जीरो होता है चार्ज, कंडक्टर के बाहर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है, और जैसे जैसे बॉडीज होते हैं उन सब का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, जितना हमारे सिलेबस का नेसेसरी वाला जो बॉडी है हम सबका निकाल चुके हैं गॉस लॉ के हेल्प से। और जिनका नहीं निकाल सकते, जो कि इसके बाहर हो जाएगा, तो फिर वही है हमारे पास बचा खुचा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, हम लोग यूज़ कर लेंगे। मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। शेयर सब्सक्राइब कर दो, लाइक का ही नहीं दबाते हो, लाइक बटन दबाओ, थोड़ा कुछ कुछ अच्छा लगेगा ना, मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन नहीं मोटावेशन भी, ठीक।